सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई स्टार्टिंग में ही रेलवे ट्रैक क्यों दिखाया है। ट्रेन भी आ रही है वैसे। ट्रेन भी आ रही है ना? हाँ, पर उस पर लाइट मत करना क्योंकि उसको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होगी। कोई नहीं, ट्रैक दिखा दिया है ना। चलो, असली स्टोरी है जिस लोकेशन पे अब हम जा रहे हैं, ठीक है। ये ट्रैक मैंने इसीलिए आप लोगों को दिखाया है क्योंकि ये ट्रैक दिखाना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे भी थोड़ा सा काम वाम भी चल रहा है। मेरे ख्याल से ये ब्रिज बनेगा, अंडरपास बनेगा ट्रैक के नीचे से। असली स्टोरी जो है वो जो आपको दिख रहा है ना, वाइट सा स्ट्रक्चर, अब पहले तो आप लोग बताओ कि वो क्या है, ठीक है। जब तक मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ तब तक आप लोग बताओ कि वो क्या चीज़ है। कमेंट करो अभी। एक ट्रेन उधर से भी आ रही मेरे ख्याल से। आया आप लोगों को समझ में ये क्या चीज़ है? दिखा दो एक बार। हाँ, आ गया होगा मेरे ख्याल से। और अगर नहीं आया है तो मैं बता देता हूँ, ये है हमारा शमशान घाट। और हम इस समय, ये एक बार ये दिखा दो, शिवजी पार्वती जी की मूर्ति जो है, क्योंकि इससे आइडिया हो जाएगा। और भाई कुछ रीज़न की वजह से मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी। बाकी आप लोगों को अंदर का भी वीडियो दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाऊंगा भाई। देखो, हम जो बोलते हैं बिल्कुल साफ़ बोलते हैं, अभी मैं आपको शमशान घाट के अंदर जाके नहीं दिखा सकता, वो हम आपको दिखाएंगे फिर कभी। आज जो हम आए हैं वो आए हैं द्वारका, मेहंदी वाला पार्क। ट्रेन की आवाज़ अगर आप लोगों को सुन रही होगी तो ट्रेन हमारे पीछे एक जा रही है। और कुछ आवाज़ आई यार मुझे सामने से। हाँ, उस तरफ से ना, है ना? हाँ, जैसे किसी ने जंप किया एकदम से। और इधर पूरी देखो, घर वर हैं, सोसाइटीज़ हैं, छोटी मोटी लोग रहते हैं आसपास। लेकिन इस जगह की कहानी गूगल पे भी आप लोगों को मिल जाएगी। और एक बार, अब जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ, आप लोग इसकी वाइब देखो इस जगह की। ये देखो, यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई हैं। सामने क्या है? गाड़ी खड़ी है हुई। ये क्या इधर? अच्छा, पौधा है। तो भाई इस समय मैं खड़ा हूँ द्वारका सेक्टर 8, मेहंदी वाला पार्क। गूगल आप लोग कर लेना, यूट्यूब भी कर लेना, आप लोगों को ये लोकेशन मिल जाएगी। ट्रेन का हॉर्न आपने सुन ही लिया होगा। और ये ट्रेन पे इतना फोकस मैं क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाओ। वो लाइट किसकी चमक रही है? लाइट बढ़ाओ। लाइट बढ़ाओ। बढ़ा दूँ? लाइट बढ़ाओ इस बार। मुझे वहाँ पे है ना कुछ ब्लैक शेडो जैसी दिखी यहाँ पे। ये जो गेट है या क्या है ये? कि पौधे का है ना? यार मैं उस चीज़ से बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो सामने क्या है रेड? वो किसी गाड़ी का रिफ्लेक्टर ऐसा लग रहा है, आंखें ऐसी लग रही है किसी की। हैं?
एक बार है ना आप मतलब इस जगह की थोड़ी सी वाइब देखो, फील करो, क्योंकि मुझे फील हो रही है यहाँ पे। एक तो शमशान घाट है यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे बिल्कुल, और ये पार्क जो है वो बताया जाता है हॉन्टेड, मेहंदी वाला पार्क हॉन्टेड। आज तक आप लोगों को पार्क दिखाया होगा, पास में एक तालाब है वो दिखाया होगा, और शमशान घाट के बारे में बोला होगा कि भाई ये सब मतलब सिनेरियो ऐसा क्रिएट किया है कि ये पार्क लगेगा आप लोगों को हॉन्टेड। लेकिन जो मेन स्टोरी है ना यहाँ की, वो स्टोरी है रेलवे ट्रैक की, जो मैंने सबसे पहले आपको वीडियो में दिखाया था। और वो मैंने इसीलिए आपको दिखाया था जिससे आप लोगों को ये थोड़ा सा आप है ना उस चीज़ को फील कर सको कि रेलवे ट्रैक क्यों दिखा रहा है भाई ये। रेलवे ट्रैक मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट आपको पता ही है रेलवे ट्रैक्स पे होते हैं, सबसे ज़्यादा सुसाइड्स रेलवे ट्रैक्स पे होते हैं, और जो भी है यार खाली एरिया देख के मर्डर वर्डर जो भी इंसिडेंट होते हैं वो सब होते हैं भाई। और हालांकि ऐसा नहीं है कि आसपास नहीं है कुछ, बहुत मेरे ख्याल से एयरपोर्ट भी पास में ही होगा, एयरपोर्ट भी पास में ही है, सब है, लेकिन एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर है और काफ़ी सुनसान एरिया है इसके पास में, उस वजह से यहाँ पे ये सब इंसिडेंट होते ही होते हैं। तो भाई इस पार्क को बताया गया है हॉन्टेड, और पता नहीं क्यों जैसे ही मैंने एंटर करा और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक आवाज़ आई कूदने की, लेकिन हमें उधर कोई खड़ा हुआ है सामने यार, मुझे ना पता एकदम सामने वो मेरे को वाइट वाइट कुछ दिख रहा है ना। मैं जब आपको कह रहा था ना ये दोनों जो दिख रहे हैं मुझे, हाँ। ऐसे लगा जैसे गेट है, लोहे का गेट होता है ना जैसे पार्क में, हाँ हाँ। वो लगा, लेकिन ये है पौधे के, और इसके बीच में मेरे को काली शेडो दिखी थी। नहीं, उस तरफ मुझे कुछ दिख रहा है, कोई खड़ा है जैसे। नहीं अब मुझे कुछ दोनों पेड़ों के बीच में कुछ चमक रहा है ना वो, ये बीच में कह रहे हो आप? बीच में हाँ। नहीं वो पेड़ का वो है तना है, पेड़ है वो, देखो सामने। अच्छा वो पेड़ है, हाँ वो देखो वो जाता है। लेकिन मेरे को पता है ब्लैक शेडो दिखी है मूव करती हुई, अब वो पता नहीं मेरा वहम है या क्या है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इससे डरो, और बार बार देखो सामने दिखाओ वो रेड, अगर कैमरा में कैप्चर हो रही है ना रेड लाइट, वो रेड लाइट कैमरा में अगर कैप्चर हो रही है, एक बार लाइट को ना थोड़ा सा वो करो, दिख रही है वो जो सामने रेड लाइट दिख रही है? हाँ, दिख रही है, दिख रही है। वो मुझे आंखें लग रही है किसी की, हैं आंखें लग रही है किसी। मतलब मैं उसको है ना देख के बहुत कंफ्यूज सा हो रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, एक बार इस ट्रैक पे ही घूमते हैं, पूरा पार्क देखते हैं कि अगर जो यहाँ पे मुझे ब्लैक शेडो दिखी है, आपको जो ऐसा वाइट वाइट सा दिख रहा था, हालांकि देखो मैं सही बता रहा हूँ, ये क्या हुआ एकदम से, ये क्या है? धुआं सा उड़ा ना? नहीं ये क्या है, ये जाला, ये देखो बने जा रहा है। खैर वो नॉर्मल है, मकड़ी वकड़ी होगी कोई, जो पेड़ का था ना मैं बोल रहा था ना आपको, अब एक बार यहाँ से आके दिखाओ, है कोई पेड़? नहीं है, पेड़ ही नहीं है यहाँ तो, कोई पेड़ नहीं दिख रहा मुझे भाई। मुझे पेड़ दिख रहा था वहाँ पे? नहीं तो कुछ भी नहीं, देखो आप पेड़ ही नहीं है कुछ भी यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर आओ पीछे आओ, मैं यहां पे मुझे पेड़ दिख रहा था, यहां पे मुझे पेड़ दिख रहा था जो आप बोले थे ना व्हाइट शेडो, हाँ मैं तभी तो बोला पेड़ का तना है वो, लेकिन मुझे शेडो दिख रही थी शुरू से। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जैसे कोई खड़ा हुआ हो, कुछ भी नहीं है यहाँ तो, ऐसा कैसे हो सकता है यार? वो देखो मैं पता है आप लोगों के अंदर वहम नहीं डाल रहा, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये एंटिटीज़ होती हैं, ये हेलुसिनेशन बनाती हैं माइंड में, आपके क्रिएट करती हैं वो चीज़ें। जैसा मैंने ब्लैक शेडो बोला आपको वाइट दिख रही थी, मुझे वाइट दिख रहा, और मैंने बोला कि पेड़ का था, पेड़ है ही नहीं भाई, दिखाओ एक बार, दिखाओ यहाँ पे पेड़ है ही नहीं कोई, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है यहाँ पे। लाइट एक बार बढ़ा के दिखा दो, एक बार लाइट बढ़ा के दिखा दो, देखो कोई पेड़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ मैंने बोला था असीन भाई को, यहाँ मैंने बोला कि यहाँ पे पेड़ है भाई, पेड़ का तना है, लेकिन पेड़ का तना पेड़ भी नहीं है भाई यहाँ पे, तो ऐसा कैसे हो सकता है?
स्ट्रेंज है भाई। चलो एक बार पार्क देखते हैं, हो सकता है कोई और एविडेंस हमें मिल जाए। हमने यहीं से एंटर किया था, कहीं और से किया था, पीछे से किया था, ये भी मुझे सेम लग रहा है भाई। ऐसा ना हो गया हम रास्ता भटक जाए, क्योंकि देखो सही बात बता रहा हूँ, नहीं यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। आगे सर, क्योंकि देखो सही बताऊँ, ऐसी ऐसी लोकेशन पे कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ जाए थे भाई, हैं? पूरा बंद है उस टाइम, रास्ता था आने का। यहाँ से आ जाओ, यहीं से आ जाओ। अजीब है यार। और मैंने एक भाई का वीडियो भी देखा है यहाँ का, उनको भाई नीलगाय दिख रही थी यहाँ पे, मतलब पार्क के अंदर नीलगाय, और थोड़ी देर बाद में उनको कुछ नहीं दिखा यहाँ पे। अजीब है यार। अब देखो भाई, ये पूरा पार्क है जो हॉन्टेड बताया, एक बार दिखा दो, घुमा के दिखा दो, लाइट फुल कर दो एक बार। अब भाई इतना तो नहीं घुमा जाएगा, देखो सच बताऊं मैं आपको, लेकिन जितना हो सकता है हम आपको दिखाते हैं अभी। ये देखना एक मिनट, क्या ये क्या दिखा? चप्पल। वहाँ और कितनी स्ट्रेंज, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जचाई है अभी किसी ने। हाँ मतलब मैं ये सोच रहा था जैसे कोई अभी किसी ने जचाई है यहाँ पे। हाँ है, मेरे अंदर से यार शब्द भी नहीं निकल रहे हैं मुँह से मेरे, कुछ कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और ये क्या है? ये वो वाला पेड़ है जो बंद कर लेता है अपने आप, लेकिन इतना बड़ा पेड़ तो नहीं होता उसका। ये भी देखो, इसकी सारी पत्तियाँ बंद है। हाँ सारी बंद है, वो क्या बोलते हैं उसको, टच मी नॉट, छुई मुई। हाँ टच मी नॉट, छुई मुई जो भी है, छुई मुई का इतना बड़ा पेड़ तो नहीं होता। देखो यहाँ पे रास्ता एक तरह से बंद हो गया है, खड्डा है, कोई बात नहीं, आराम से। मेरे एक तो एक पैर का ना वापस से, तो भाई पता नहीं क्या हुआ, एकदम से कैमरा, बैटरी, लाइट की बैटरी सब ड्रेन भाई। मतलब हम आगे तक एक्सप्लोर कर रहे थे, जैसा कि मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है मैं ही बोल रहा था भाई मेरे पैर में चोट आई हुई है, और आज देखो इसीलिए मैं ऐसे चप्पलों में भी आया हूँ। दिखा दो यार एक बार, दिखा दो। मतलब ये अभी हील हो गया था, लेकिन अब है ना फिर से इसमें दर्द स्टार्ट हो गया, और मैं यही बात कैमरा पे बोल रहा था, इतने में कैमरा बंद भाई। तो पता है कैमरा बंद कब हुआ? हाँ, एक तो जो मुझे व्हाइट वॉश दिख रहा था, हाँ हाँ, वहाँ पर गए, जो चप्पलें हमें दिखी थी दिखानी, उसके बाद चप्पल दिखी। हाँ उसके बाद हुई है, वो चप्पल को पहले से रखी हुई नहीं है कि बहुत पुरानी हो, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन ही कर रहा था मेरे ख्याल से ना। हाँ एक्सप्लेन कर रहा था, मुझे लगा कि कोई ऐसे जचा के रख के गया अभी हमारे सामने, शेडो का कुछ आपस में कनेक्शन हो और आपको ब्लैक दिखी है, पता नहीं भाई। तो अभी हमारे पास कैमरा में बैटरी, अच्छा उल्लू की आवाज़ है, ये आवाज़ भी उस तरफ से आ रही है। हाँ तो अभी हमारे पास कैमरा की बैटरी बहुत कम है, और लाइट भी आप देख रहे हैं डिम चल रही है बिल्कुल। तो एक बार मैं बाहर निकल जाता हूँ भाई, क्योंकि देखो हो सकता है कि हमें वो यहाँ पे शूट नहीं करने दे रही है अभी, जो भी यहाँ पे प्रेजेंस है। लेकिन हाँ भाई सच बता रहा हूँ मैं, एक बार यहीं रुक के बोल देते हैं, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लाइट नहीं है हमारे पास। तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे फील हुआ है, कुछ ना कुछ तो है। आपको फील हुआ है ना? हाँ बिल्कुल हुआ है, मतलब व्हाइट शेडो और वो जो पेड़ वेड़ जो हम दिख रही थी वो अजीब, चप्पल दिखना तो और भी अजीब। चलो 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 आ जाओ, मिस्टीरियस था, मतलब अजीब था वो, सही में बहुत अजीब था वो। और अभी हम शमशान घाट के बिल्कुल बगल से गुजर रहे हैं, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा थोड़े टाइम पे। व्लॉग चैनल पे आप मेरे जुड़े रहो, व्लॉग चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा इसके बारे में, बताऊंगा कि भाई मैं शमशान घाट अभी क्यों शूट नहीं कर रहा हूँ, सब बताऊंगा भाई। इसलिए आप लोगों को सारे चैनल को सब्सक्राइब करना है हमारे, सौरभ पुनिया हॉन्टेड खिलाड़ी और मिस्टर पुनिया जो कि व्लॉग चैनल है, सबको सब्सक्राइब करो भाई। और ये देखो चप्पलों में मैं ऐसी लोकेशन पे जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, जंगली जानवर भी हो सकते हैं छोटे मोटे।
पता नहीं भाई, कुछ समझ नहीं आया मेरे। मतलब जैसे ही मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था ना, तभी सब बंद हो गया हमारा। मतलब सब कुछ ड्रेन यार, सब कुछ ड्रेन कैसे हो सकता है एक साथ में, मेरे समझ नहीं आ रहा। चलो एक बार आओ, अंदर आओ, बैठते हैं।